हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडी पढ़ाई। इस क्लास में हम क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। अब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 इक्वल्स टू 7। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस लीनियर इक्वेशन में ये साइड क्या है, माइनस 2। ये माइनस 2 को ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल्स टू ये जो माइनस 2 है ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। लिख लेते हैं 7, और ये क्या हो जाएगा, ये साइड आएगा तो प्लस 2। x इक्वल्स टू 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 9। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 9। क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, y प्लस 3 इक्वल्स टू 10। तो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, y इक्वल्स टू 10, ये जो प्लस 3 है, प्लस 3 को हम ये साइड लेकर आएंगे तो ये जो प्लस 3 है ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3। लिख लेंगे माइनस 3। y इक्वल्स टू 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, 7। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 7। तो आंसर क्या आ गया, y इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लेते हैं, 6 इक्वल्स टू z प्लस 2। ये क्या हुआ, LHS हुआ, ये क्या हुआ, RHS हुआ। तो LHS क्या हो गया, 6, और RHS क्या हुआ, z प्लस 2। ये जो प्लस 2 है हम इसको LHS की तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे हो जाएगा, 6, ये जो 2 है हम इसको ये साइड लेकर आएंगे, 2 को हमें ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। लिख लेते हैं 6 माइनस 2 इक्वल्स टू z। 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 लिख लेते हैं इक्वल्स टू z। तो हमारा z इक्वल्स टू क्या आ गया, 4। आंसर क्या आ गया, z इक्वल्स टू 4। तो आंसर क्या आ गया, z इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं, 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। ये क्या हुआ, LHS हुआ, और ये क्या हुआ, RHS हुआ। ये 3/7 ये क्या है, प्लस 3/7 है। जब हम इसको RHS में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3/7। देख लेते हैं, x इक्वल्स टू 17/7, ये जो 3/7 है हम इसको ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3/7, क्योंकि इधर क्या है, प्लस 3/7। जब हम इसको RHS की तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3/7। लिख लेते हैं माइनस 3/7। x इक्वल्स टू इसका LCM क्या रहेगा, 7 रहेगा, इधर क्या रहेगा, 17 हो जाएगा, माइनस 3। x इक्वल्स टू 17 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 14, 14/7। 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 टू जा 14, ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू 2। तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6x इक्वल्स टू 12। ये जो 6x है वो क्या है, LHS है, और 12 क्या है, RHS है। इधर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको RHS की तरफ लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है कि नहीं। देख लेते हैं कैसे, इधर 6 मल्टीप्लाई में हो रहा है, ये साइड हम लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो लिख लेते हैं
x equals to 12, इधर 6 मल्टीप्लाई में हो रहा है, ये साइड आएगा RHS की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो जब हम 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, x equals to 2, आंसर क्या आ गया, x equals to 2। इसको एक बार और देख लेते हैं कैसे हुआ, इधर जो 6 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको ये साइड लेकर आएंगे तो 6 क्या हो गया, डिवाइड में आ गया, तो क्या हो गया, 6 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 3/5 = 10, ये क्या हुआ, LHS हुआ और ये क्या हुआ, RHS हुआ। यहाँ पे 5 जो है वो डिवाइड में है, जब वो RHS की तरफ जाएगा तो वो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर लेते हैं T = 10, इधर क्या है 5 जो है वो डिवाइड में है, तो हम इसको हम RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5, T = 10 × 5 क्या हो गया, 50 हो गया, तो T का वैल्यू क्या आ गया, T = 50, तो आंसर क्या आ गया, T का वैल्यू क्या आ गया, T = 50। इसको एक बार और समझ लेते हैं, इधर क्या है 5 जो है वो डिवाइड हो रहा है, जब RHS की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 × 5 क्या हो गया, 50, तो वैल्यू क्या आ गया, T = 50, है ना कितना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो है वो क्या हुआ, LHS हुआ और ये क्या हुआ, RHS हुआ, इधर जो है वो 3 डिवाइड हो रहा है, 3 को जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इस साइड क्या हो रहा है, 3 डिवाइड में हो रहा है, 3 को जब हम RHS की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे, 2x = 18, यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, डिवाइड में हो रहा है, जब हम इसको ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिवाइड में हो रहा है, जब 3 को RHS की तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या हो जाएगा, इधर 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, 2 को जब हम ये साइड लेकर आएंगे RHS की तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जब ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे, x = 18 × 3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2, 2 को 18 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 = 18, अब क्या हो जाएगा, x = 9 × 3 क्या हो जाएगा, 27, तो लिख लेते हैं 27, हमारा आंसर क्या आ गया, x = 27, तो है ना कितना आसान। इसको एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टेप्स किए, इस इक्वेशन में इधर क्या है, 3 जो है वो डिवाइड में है, 3 जब ये साइड आया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर 3 डिवाइड में है, 3 को जब RHS की तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को RHS की तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इधर हमने डिवाइड किया तो इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आ गया, x = 27। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 = y / 1.5, ये जो है वो LHS हुआ और ये जो है वो RHS हुआ, इधर 1.5 जो है वो डिवाइड में है, 1.5 जब ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर 1.5 क्या है, डिवाइड में है, जब 1.5 को LHS की तरफ लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे, y = 1.6, यहाँ पे क्या है, 1.5 डिवाइड में है,
जब इधर लिखेंगे इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1.5 years इधर क्या है, डिवाइड में है। जब उसको LHS की तरफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, 2.4। आंसर क्या आ गया, y इक्वल्स टू 2.4। तो है ना कितना आसान। इस क्वेश्चन को एक बार समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे 1.5 क्या है, डिवाइड में है। 1.5 को जब ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर क्या है, 1.5 डिवाइड में है। जब 1.5 को ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 1.6 इंटू 1.5 क्या आ जाएगा, 2.4। तो y का वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल्स टू 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन में इधर क्या है, माइनस 9 है। माइनस 9 जब ये साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस 9 हो जाएगा। इधर क्या है, माइनस 9 है। माइनस 9 को जब RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 7x equals to 16। ये जो माइनस 9 है, माइनस 9 को ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। लिख लेते हैं प्लस 9। अब क्या हो जाएगा, 7x equals to 16 plus 9 क्या हो जाएगा, 25। अब क्या हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई में है, ये साइड जब लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 7 इधर मल्टीप्लाई में है, जब वो RHS की तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं कैसे, x equals to 25। इधर क्या है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 7। तो आंसर क्या आ गया, x equals to 25 divided by 7। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x equals to 25 upon 7। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x equals to 25 upon 7। इसको एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टेप्स किया। तो इस इक्वेशन में ये साइड क्या है, माइनस 9 है। माइनस 9 को ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। देखो हमने इधर प्लस 9 किया, इधर माइनस 9 है। माइनस 9 को जब ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। तो हमने किया 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 25 लिख लिया। उसके बाद क्या हो गया, इधर 7 जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में हो रहा है। 7 को जब RHS की तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये देखो इधर 7 मल्टीप्लाई में है, ये साइड जब हम लेकर आए तो हो गया ना डिवाइड में। तो क्या हो गया आंसर, x equals to 25 upon 7। है ना कितना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 14y minus 8 equals to 13। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर क्या है, माइनस 8 है। माइनस 8 को जब ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। इधर क्या है, माइनस 8 है। माइनस 8 को RHS की तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, 14y equals to 13। इधर क्या है, माइनस 8 है। माइनस 8 को ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। लिख लेते हैं प्लस 8। अब क्या हो जाएगा, 14y equals to 13 plus 8 क्या हो जाएगा, 21। लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, इधर क्या है, 14 जो है वो मल्टीप्लाई में है। 14 को जब ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इधर 14 जो है वो मल्टीप्लाई में है। 14 को RHS की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, y equals to
21, इधर क्या है 14 जो है वो मल्टीप्लाई में है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कर लेते हैं डिवाइड बाई 14, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 और 14 जो है वो 7 के टेबल में है, तो 7 के टेबल से जाएगा, 7 3 जा 21 और इधर क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, तो हमारा आंसर क्या आ गया, y equals to 3/2। तो y का वैल्यू क्या आ गया 3/2, आंसर क्या आ गया y equals to 3/2। इसको एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया ताकि एक ही क्लास में हमें सब लर्न हो जाए। तो ये इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, इधर क्या है -8 है, -8 जब इस साइड आएगा तो क्या हो गया +8 हो गया, इधर हमने +8 कर लिया, तो 13 + 8 क्या हो गया 21 हो गया। अब क्या हो जाएगा, इधर क्या है 14 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इधर हमने 14 को डिवाइड किया। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, 21 और 14 कौन से टेबल में आता है, तो 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो हमने 7 के टेबल से कट किया, 7 3 जा 21 और इधर 7 2 जा 14, तो आंसर क्या आ गया 3/2। तो y का वैल्यू क्या आ गया y equals to 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 11, 17 + 6p = 9, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर क्या है +17 है, ये 17 को जब RHS की तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -17 हो जाएगा। इधर क्या है +17 है, +17 को ये साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा -17, तो इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व कर लेंगे। 6p = 9, इधर क्या है 17 जो है वो +17 है, इसको हम ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -17, लिख लेते हैं -17। 6p = 9 - 17 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो 9 - 17 क्या हो जाएगा -8, लिख लिया हमने। अब क्या हो जाएगा, इधर क्या है 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 6 को ये साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 को जब RHS की तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, लिख लेते हैं p = -8, इधर 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो लिख लेते हैं डिवाइड बाई 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल से कट कर लेते हैं, 2 4 = 8 और ये 2 3 = 6, तो आंसर क्या आ गया, p का वैल्यू क्या आ गया p = -4/3, तो p का वैल्यू क्या आ गया p = -4/3, तो p का वैल्यू क्या आ गया p = -4/3। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टेप्स किए। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, इधर क्या है +17 है, इस 17 को RHS की तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -17, तो हमने किया 9 - 17, तो 9 - 17 क्या होता है -8 हो जाएगा। अब क्या किया हमने, इधर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 6 को ये साइड लेकर आए तो क्या हो गया डिवाइड में हो गया, इधर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 6 को जब RHS की तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर हमने 6 को डिवाइड किया। अब क्या किया हमने, 8 और 6 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल से, तो 2 के टेबल से कट किया, 2 4 = 8, 2 3 = 6, तो हमारा p का वैल्यू क्या आ गया p = -4/3, तो आंसर क्या आ गया p = -4/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और इस एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, x/3 + 1 = 7/15, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, इधर क्या है प्लस वन है, ये प्लस वन को RHS की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इधर क्या है प्लस वन है,
ये प्लस वन को ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स बाई थ्री इक्वल्स टू सेवन बाई फिफ्टीन, इधर क्या है प्लस वन है, प्लस वन को ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। लिख लेते हैं माइनस वन, अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर में क्या है, वन है। अब क्या हो जाएगा, एक्स बाई थ्री इक्वल्स टू 15 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप इस 15 को कितने बार मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, तो हम 15 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1 करेंगे, 15 इंटू 1 क्या होता है 15 ही हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1 करेंगे, तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लिख लेते हैं माइनस, इस वन को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाए, तो वन को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में भी इंटू 15 करना है, तो वन इंटू 15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लिख लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा, एक्स बाई थ्री इक्वल्स टू सेवन माइनस 15 क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। लिख लेंगे माइनस 8, और डिनोमिनेटर में क्या है 15, लिख लेते हैं 15। अब क्या हो जाएगा, इधर 3 क्या है डिवाइड में है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर क्या है 3 जो है वो डिवाइड में है, RHS की तरफ लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 15, इधर 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, ये साइड लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो सॉल्व कर लेंगे 3 5 15। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 5, आंसर क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू माइनस 8/5। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू माइनस 8/5। इसको एक बार देख लेते हैं कि हमने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया। इधर क्या है प्लस वन है, प्लस वन को RHS की तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो ये प्लस वन को ये साइड लेकर आए तो क्या हो गया, माइनस वन हो गया। अब आगे हमने क्या किया, 15 और 1 का एलसीएम लिया, क्या आया 15 आया। इस 15 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाए, इंटू 1 करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी इंटू 1 करेंगे तो 7 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 7 लिख लिया। इधर माइनस है तो माइनस, इस 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाए, तो 1 इंटू 15 करेंगे, 1 इंटू 15 क्या होता है 15 होता है, तो न्यूमरेटर में भी इंटू 15 करेंगे तो 1 इंटू 15 क्या हो जाएगा 15 हमने लिख लिया। इसके बाद हमने क्या देखा, ये x by 3 लिख लिया इक्वल टू 7 माइनस 15 क्या हो जाएगा माइनस 8, और ये वाला 15 लिख लिया। अब क्या किया हमने, इधर 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया। इधर 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, ये साइड लेकर आए तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया, इसको अब हमने सॉल्व कर लिया, ये 15 जो है 3 के टेबल में आता है, तो हमने 3 से इसको कट किया, 3 5 15, तो इधर क्या आ गया 5 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया माइनस 8 अपॉन ये वाला 5, तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू माइनस 8/5। तो है ना कितना आसान। तो इधर हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। तो इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो स्पीडी पढ़ाई को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।